12th कॉमर्स स्ट्रीम से और CUT UG 2024 की तैयारी कर रहे हो BCA एडमिशंस के लिए, तो क्या रहेगा CUT UG 2024 का बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एंड कंप्लीट CUT सिलेबस फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स, और कौन से हैं वो टॉप BCA कॉलेजेस जिनको कॉमर्स स्टूडेंट्स टारगेट कर सकते हैं 2024 में। तो अगर आप सभी भी कॉमर्स स्ट्रीम स्टूडेंट हो और टारगेट कर रहे हो BCA एडमिशन थ्रू CUT UG 2024, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहने वाला है, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे CUT BCA कंप्लीट सिलेबस फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है धीरज, मैं खुद हूँ एक BCA ग्रेजुएट, मुझे है करियर कोचिंग एक्सपीरियंस और अपने इस एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आपको गाइड करने वाला हूँ आपके BCA कोर्स की जर्नी में। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो BCA फंडास बाय संसो को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर इसे लाइक एंड शेयर करें। और अब हम इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल हैं, आप इंस्टा हैंडल स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। तो कॉमर्स स्ट्रीम की बात करें तो 12th क्लास में उनके पास अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, इकोनॉमिक्स एंड कई केसेस में आपको मैथ्स, कंप्यूटर साइंस एंड IP जैसे सब्जेक्ट्स भी मिलते हैं। तो CUT रेलेवेंट सब्जेक्ट्स की बात करें तो अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग हो गया, मैथ्स हो गया, कंप्यूटर साइंस, IP जैसे सब्जेक्ट्स के बेस पर आप BCA में एडमिशन ले सकते हो, और ये डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट और कैपेबिलिटी पर। BCA एडमिशन को टारगेट करने के लिए कॉमर्स स्ट्रीम स्टूडेंट्स के लिए CUT का जो बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहेगा उसमें सेक्शन 1 लैंग्वेज टेस्ट में आपको इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, और सेक्शन 2 डोमेन टेस्ट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा उसमें आप अपने अकॉर्डिंग अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग या फिर मैथ्स या CS या इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट भी सेलेक्ट कर सकते हैं अगर वो 12th में आपने पढ़े हैं, और सेक्शन 3 में आपको जनरल टेक्स जरूर से सेलेक्ट करना है। सो 12th कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स BCA के इस बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से CUT के टॉप BCA कॉलेज को टारगेट कर सकते हैं 2024 में। तो इन टॉप BCA कॉलेजेस की बात करें तो इसमें आते हैं गुजरात विद्यापीठ, जैन डीम्ड यूनिवर्सिटी, हिट्स चेन्नई, JP इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या MIT यूनिवर्सिटी नोएडा। 12th कॉमर्स स्ट्रीम स्टूडेंट्स के लिए CUT का बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एंड टॉप BCA कॉलेजेस को जान लेने के बाद चलिए जान लेते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो CUT UG 2024 में कॉमर्स स्टूडेंट्स को जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स रहेंगे वो रहेंगे अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग या फिर इकोनॉमिक्स। और यहाँ पे जो क्वेश्चंस की बात करें तो टोटल आपको 60 क्वेश्चंस फ्रेम होंगे, आउट ऑफ विच आपको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको 60 मिनट टाइम ड्यूरेशन मिलेंगे इन डोमेन टेस्ट। तो CUT 2024 में कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए चलिए सबसे पहले बात करते हैं अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग सब्जेक्ट के सिलेबस की। तो इसमें आपका जो डोमेन सब्जेक्ट कोड रहेगा वो रहेगा 301, और जो क्वेश्चन आपको फ्रेम होंगे वो 12th क्लास के सिलेबस के रेलेवेंट ही होंगे, तो आपको 12th क्लास का सिलेबस ही रेफर करना है। अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो इस सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो 3 पार्ट में डिवाइड रहेगा। पार्ट 1 की बात करें तो उसमें रहेगा अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड पार्टनरशिप फर्म, जिसमें आपको 4 यूनिट्स फ्रेम होंगी। इन यूनिट्स में आएगा अकाउंटिंग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। नेक्स्ट पार्ट आपका रहेगा कंपनी अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, इसमें आपको 3 यूनिट से क्वेश्चन फ्रेम होंगे, जिनके अब अगर हम बात करें तो अकाउंटिंग फॉर शेयर एंड डिबेंचर कैपिटल, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन जैसे यूनिट से आपको क्वेश्चन फ्रेम किए जाएंगे। और अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग में जो लास्ट आपका सेक्शन रहेगा वो रहेगा कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, जिसमें आपको 4 यूनिट से क्वेश्चन फ्रेम होंगे। अगर यूनिट्स की बात करें तो उसमें आपको आएगा ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, यूजिंग अ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, अकाउंटिंग यूजिंग DBMS यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और लास्ट में रहेगा अकाउंटिंग एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स। तो स्टूडेंट्स ये था अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग का सिलेबस। तो चलिए अब नेक्स्ट हम इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, जो कॉमर्स स्टूडेंट सेलेक्ट कर सकते हैं BCA एडमिशन के लिए। तो CUT एग्जाम में इस डोमेन सब्जेक्ट का जो कोड रहेगा वो रहेगा 309। तो इकोनॉमिक्स या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स के सिलेबस की बात करें तो वो 12th के जैसा ही रहेगा, जिसमें आपको 10 यूनिट से क्वेश्चन फ्रेम होंगे। तो यूनिट वाइज अगर हम बात करें तो सबसे पहले यूनिट आएगा इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड। थर्ड यूनिट में आपको नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेटर्स, और फोर्थ में आपको आएगा डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, और फिफ्थ यूनिट में आएगा मनी एंड बैंकिंग। फर्दर सिक्स्थ यूनिट में रहेगा गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, सेवन्थ में आएगा आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, एट्थ में आपको आएगा डेवलपमेंट एक्सपीरियंस एंड इकोनॉमिक्स रिफॉर्म 1991, नाइन्थ में आपको रहेगा करंट चैलेंजेस फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी, और लास्ट आपको रहेगा डेवलपमेंट एक्सपीरियंस इन इंडिया। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो। तो अगर आप इस सिलेबस को और एक्सप्लोर करना चाहते हो तो हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और कोई भी डाउट हो तो जरूर बताएं हमारे कॉमेंट सेक्शन में। और हाँ, BCA फंडास बाय संसो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड विद अस।